सो गाइस बस अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं सुन पाऊंगा बस। सो हे गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज दीपांशु एंड यू वाचिंग डीबी टेक्निकल वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सवालों के बारे में जो यार इतने ज्यादा आ चुके हैं कि मतलब कभी इंस्टा पे आते हैं, कभी ट्विटर पे आते हैं, कभी कमेंट बॉक्स में आते हैं कि बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 बता दो यार। तो मैं आ चुका हूं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 की ये वीडियो लेके सिर्फ आपके लिए। और अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, मतलब वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक दबाने में एक सेकेंड नहीं लगता है और सब्सक्राइब के लिए तो मेरे ख्याल आधा सेकंड भी नहीं लगता है, तो वो जल्दी से कर दो। तो यस गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 15,000 के अंदर आने वाले स्मार्टफोन्स के बारे में, और नॉट इवन 3, 4, 5, 6 सात स्मार्टफोन ऐसे बताऊंगा जो बेस्ट होंगे, अंडर 15,000 होंगे। बट इन दी एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि तीन सबसे मेजर स्मार्टफोन्स कौन से हैं जो आपको पिक करने चाहिए ही चाहिए, और अगर मतलब वो आपसे रिलेट करते हो तो। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैंने यहाँ कोई रैंकिंग नहीं दी है, बट सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पे आता है पोको की तरफ से आने वाला पोको M2 Pro। Yes guys, इसके अंदर आपको तीन वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 4GB RAM, 64GB ऑफ स्टोरेज, 6GB, 64GB ऑफ स्टोरेज एंड 6GB RAM, 128GB ऑफ स्टोरेज, 12999, 13999 एंड 15999 का प्राइस है। बट जैसे कि हम अंडर 15,000 की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ 64GB तक के वेरिएंट को कंसीडर करेंगे। एंड इसमें अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले साइज मिला है दैट इज 6.67 इंचेस फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, एंड 60Hz का आपको इसके अंदर रिफ्रेश रेट भी दिया हुआ है, 48 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरा मिलता है, 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिला है। एंड गाइस प्रोसेसर की बात करें तो आपको यहां पे Snapdragon 720G मिलता है, बैटरी आपको 5000 mAh की मिली है एंड फास्ट चार्जर दिया गया है 33 वॉट्स का। अब इसको मैंने कंसीडर क्यों किया, देखो उसके तीन रीजन है। पहला तो 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले, डिस्प्ले साइज काफी अच्छा है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशंस मिले हैं, बिग बैटरी देखने को मिलती है 5000 mAh एंड 33 वॉट्स का फास्ट चार्जर दिया हुआ है। एंड सबसे बढ़िया बात, आपको सिर्फ 13999 के प्राइस में 720G का प्रोसेसर मिलता है। एंड अगर आप चाहो तो इस स्मार्टफोन के 6GB एंड 64GB वाले वेरिएंट को आप कंसीडर कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ जो कि पोको की तरफ से ही है, पोको X3। अब इसमें भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं पोको M2 Pro के साथ में, लाइक इसके अंदर भी आपको डिस्प्ले जो मिली है वो है 0.67 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिली है इसमें आपको, बट इसके अंदर आपको जो रिफ्रेश रेट मिला है दैट इज 120Hz। एंड प्रोसेसर की बात की जाए तो यहां पे आपको Snapdragon 732G मिलता है, साथ ही में आपको यहाँ पे 6000 mAh की बिग बैटरी मिलती है, 33 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है। कैमरा की बात करें तो इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है सोनी सेंसर के साथ में, एंड इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी हुई है। गाइस प्राइस की बात करें तो अभी आपको ये Amazon पे मिल जाएगा 14499 का, एंड इसमें आपको कैशबैक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, मतलब कि ICICI क्रेडिट कार्ड से, वो आप देख लीजिएगा। तो जब ये लॉन्च हुआ था तो ये लगभग 17-18 हज़ार की रेंज में था, बट अभी आपको सिर्फ 14,500 की रेंज में मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी प्राइसिंग में अंडर 15,000 में इन स्पेक्स के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है। उस समय तो काफी बूम मचाया था स्मार्टफोन ने, अभी के लिए तो यार बिल्कुल आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। वैसे तो मैं ये जो बताने वाला हूं स्मार्टफोन, मैं इसको कंसीडर नहीं करने वाला था, बट इसके अंदर कुछ एक दो स्पेसिफिकेशन ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं। तो स्मार्टफोन है रेडमी का Note 10। प्राइसिंग को लेकर तो आप लोग जानते ही हो यार कितना बड़ा मतलब इसका बवाल बन चुका है, क्योंकि 12,000 में लॉन्च हुआ था, 500 रुपए एक्स्ट्रा करके 12,500 कर दिया गया जो कि Amazon पे है, बट अगर आप Flipkart चेक करोगे ना तो वहां पे 13,100 एंड समथिंग का मिल रहा है, और कलर चेंज करते हैं तो वहां पे प्राइस भी चेंज हो रहा है गाइस। आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले अगर यहां पे डिस्प्ले की बात करें तो यहां पे आपको 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलती है, 450 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, Corning Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन दी हुई है गाइस, एंड ये IP53 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्ट है। साथ ही में गाइस इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर दिया वो है Snapdragon 678, 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट्स का चार्जर, स्टीरियो टाइप स्पीकर्स एंड 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। इसको मैंने कंसीडर इसलिए किया क्योंकि ये 12,500 की रेंज में आपको Corning Gorilla Glass 3 के साथ में सुपर AMOLED पैनल मिलता है, स्टीरियो टाइप स्पीकर्स मिलते हैं। तो कुछ ही स्पेक्स ऐसे थे जो कि स्पेक्स काफी अच्छे हैं, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, एंड आपको इसके अंदर पॉलीकार्बोनेट बैक दी हुई है, तो मतलब आप इसको कंसीडर कर सकते हो क्योंकि लुक काफी अच्छी है। बट हां, अगर प्राइस और ना बढ़ जाए इससे पहले बाय कर लेना अगर आपको चाहिए हो तो, बाकी तो कैशबैक ऑफर तो है ही, बाकी आप समझदार हो।
लेकिन इसमें एक चीज है, अगर आप गेमिंग के लिए फोन देख रहे हो तो शायद ये कंसिडर मत करना, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर अ हैवी गेमिंग। नॉर्मल गेमिंग खेलनी हो, कैंडी क्रश, सबवे सर्फर, तो उसके लिए आप देख सकते हो, बट हैवी गेमिंग के लिए आई विल नॉट प्रेफर दिस फोन। उसके लिए आगे चलते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं, जो कि है यहाँ पे सैमसंग F41। बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे आउट ऑफ द इंडिया वाले स्मार्टफोन नहीं प्रेफर करते, उनके लिए अगर मैं सैमसंग की तरफ से आने वाला कोई स्मार्टफोन बताऊं तो वो होगा सैमसंग का F41। अब ये स्मार्टफोन में क्यों कंसीडर कर रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। पहले स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो इसमें आपको मिलता है 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिला है एक्सिनस 9611। 6000 एमएएच की बैटरी मिलती है फास्ट चार्जर के साथ में। 64 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल कैमरा दिया हुआ है गाइस। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, 6GB 64GB एंड 6GB 128GB। 6GB 64GB आपको 12999 में मिलेगा एंड 6GB 128GB आपको 14499 में मिलेगा। एंड दोनों पे आप क्रेडिट कार्ड ऑफर्स लेके थोड़े सस्ते में इसको बाय कर सकते हो। एंड्रॉइड 10 मिलता है, 4G स्मार्टफोन है, बट सैमसंग टच के साथ में काफी अच्छे स्पेक्स दिए हुए हैं। मेरे हिसाब से सैमसंग लवर्स के लिए इतना ही काफी है, एंड सैमसंग वही परचेज करते हैं जिनको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नॉर्मल स्मार्टफोन यूज करना होता है। जो गेमिंग सेंट्रिक होते हैं वो ये स्मार्टफोन नहीं बाय करते, उनके लिए बहुत अलग अलग स्मार्टफोन है। सो ये अंडर 15,000 में सैमसंग F41 मैं आपके लिए कंसिडर कर सकता हूँ, अगर आप लेना चाहते हो तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड यस गाइस, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक का बटन दबा देना, और अगर आगे भी देखना है, बेस्ट 3 जानना है, तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ नया आने वाला है। सो गाइस, नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास दो चचेरे भाइयों में है, पहला है यहाँ पे रियलमी 8 एंड दूसरा है मेरे पास रियलमी 8। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही रियलमी 8 है, तो एक है 4G एंड एक है 5G, डिफरेंस क्या है वो बताऊंगा। दोनों का प्राइस एग्जैक्ट सेम है 14999, तो डिफरेंस क्या है वो ध्यान से सुनना, बिकॉज इस चीज को लेके मेरे को बहुत सारी कंफ्यूजन वाले मैसेजेस आए कि यार 5G में ऐसा क्या मतलब फायदा है जो लेना चाहिए, 5G में ऐसा क्या आ गया जो 4G में नहीं है, और प्राइस बिल्कुल सेम रखे, मतलब काफी कंफ्यूजन है। तो उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सा लेना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर रियलमी 8 4G के स्पेक्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलता है 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड पैनल के साथ 60Hz की डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल का AI क्वाड कैमरा मिलता है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है। प्रोसेसर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको हीलियो G95 प्रोसेसर मिलता है, विच इज अ गेमिंग प्रोसेसर गाइस, एंड इसमें आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स दिया हुआ है। 5000 एमएएच की बैटरी है, फास्ट चार्जर मिला है 30W का, एंड ये आपको मिलता है 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ में। सो ये तो पार्ट हो गया गाइस 4G का। अब बात करें अगर 5G के बारे में, तो इसके स्पेक्स कुछ ऐसे हैं कि इसमें आपको 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलती है, बट इसमें आपको सुपर एमोलेड की बजाय IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। 64 मेगापिक्सल की बजाय 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा दिया हुआ है। 16 मेगापिक्सल सेल्फी दोनों की सेम है। 4G में भी आपको 4GB 128GB मिलता था एंड 5G में आपको 4GB 128GB ही मिलता है। अब जो डिफरेंस मेन है दैट इज प्रोसेसर। अब रियलमी 8 4G में आपको हीलियो G95 प्रोसेसर मिला था जो कि 12nm पे बेस्ड है, एंड यहां पे आपको MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर मिला है जो कि 7nm पे बेस्ड है, एंड इसमें गाइस आपको 7 तरीके के बैंड्स मिले हैं 5G के। एंड हां, एक डिफरेंस और है कि 5000 mAh की बैटरी तो आपको दोनों में मिलती है, बट आपको 4G वाले में 30W का फास्ट चार्जर मिला है, एंड आपको 5G वाले में 18W का फास्ट चार्जर तो नहीं बोलेंगे बट फास्ट चार्जर मिला है। वैसे 18W का फास्ट चार्जर होता नहीं है, लिखा है बट है नहीं। दोनों में आपको यहाँ पे HDFC क्रेडिट कार्ड से 10% अप टू 1000 रुपीज का ऑफर है। आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गो फॉर इट। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में से बेस्ट बताने वाला था, लेकिन एक लास्ट स्मार्टफोन बता दूं, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। अब जो लास्ट स्मार्टफोन हमारी लिस्ट में आता है वो है Moto G40। यस गाइस, Moto G40। अब इसका जो बड़ा भाई है Moto G60, ये आज ही मेरे को रिसीव हुआ है, इसकी अनबॉक्सिंग एक दो दिन में आपको इसी चैनल पे मिलेगी, तो सब्सक्राइब करके रखना। Moto G40 के बारे में बात करें तो Motorola आजकल मार्केट में कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया यार अपने स्मार्टफोन्स को लेके, मतलब क्या ही स्पेसिफिकेशंस दे रहा है। इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको बिग डिस्प्ले मिलती है 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस, बट इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले जरूर मिली है, बट आपको इसके अंदर 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। 4GB रैम 64GB इंटरनल स्पेस के साथ आता है, एंड अगर आप ये प्रोसेसर की बात करोगे तो यहाँ पे आपको 732G का प्रोसेसर दिया हुआ है। 6000 mAh की बिग बैटरी मिलती है फास्ट चार्जर के साथ में, बट अब फास्ट चार्जर है या नहीं है वो आप देख लेना। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा दिया हुआ है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, एंड सबसे बढ़िया बात जो है वो है गाइस, इसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है
और स्टॉक एंड्रॉयड के साथ एंड्रॉयड 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स दिया हुआ है, तो कोई ब्लोटवेयर नहीं है, कोई फालतू की एप्लीकेशन इसमें नहीं दी हुई है, तो इसमें आपको सारे तरीके के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलने ही वाले हैं। एंड हाँ, इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें आपको भले ही सुपर एमोलेड पैनल नहीं है बट आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 732G का प्रोसेसर है, 6.78 इंचेस की डिस्प्ले है, तो इट इज अ गुड स्मार्टफोन फॉर गेमिंग। अगर आप गेमिंग सेंट्रिक फोन देख रहे हो तो आप स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। प्राइस जो है गाइस इसका सिर्फ 13999 है और कुछ ऑफर्स भी आप इस पे यूज कर सकते हो। सो गाइस अब बात करते हैं तीन ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि पर्सनली मुझे पसंद आए। वो तीन स्मार्टफोन में सबसे पहला है पोको X3, क्योंकि इसके अंदर यार मतलब हर वो चीज है जो एक स्मार्टफोन में होनी चाहिए, जो उसको बेस्ट बनाती है। डिस्प्ले कह लो, क्वालिटी कह लो, बिल्ड क्वालिटी कह लो, भले ही थोड़ा सा थिक है, थोड़ा हैवी है, बट स्मार्टफोन आपको पता ही है कि मेरे को तो हैवी स्मार्टफोन ज्यादा पसंद आते हैं। सेकंड है यहाँ पे रियलमी का 8 बट 4G वर्जन, नॉट 5G, क्योंकि 5G अभी आने में थोड़ा टाइम है एंड जब तक 5G आएगा तब तक वो बहुत सारे स्मार्टफोन आ चुके होंगे। तो रियलमी के मामले में और रियलमी 8 के मामले में जहां प्राइस बिल्कुल सेम है तो आप 4G वाला कंसिडर कर सकते हो। एंड जो फाइनल है वो है मोटो G40। मुझे वो स्मार्टफोन सिर्फ उसका डिस्प्ले साइज, उसका प्रोसेसर, बैटरी एंड यहाँ पे रिफ्रेश रेट एंड स्टॉक एंड्रॉइड, इन सब की वजह से पसंद आया। बाकी यार मैंने जितने भी स्मार्टफोन आपको बताए सारे ही अंडर 15,000 बहुत कमाल के स्मार्टफोन्स हैं। आप अपनी मर्जी से जो पसंद आए वो बाय करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बार बार बता रहा हूँ, कहीं और से जाके बाय मत कर लेना, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है और कुछ नहीं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूं एंड अंडर 20,000 वाली भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। एंड पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर डालना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई नए रिव्यूज, कंपैरिजंस एंड अनबॉक्सिंग्स के साथ। तब तक के लिए गाइस दिस इज दीपांशु बहल, जय हिंद।